नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु नानक देव जी दे 550 प्रकाश पर्व ते तुहानू लख लख सारे नू वधाइयां होण। ते अज तुहानू लैके आए हां गुरुद्वारा गुमट ते मैं गुरु नानक देव जी दे कुछ उपदेश हन जो तुहानू दसना चाहनी हां। गुरु नानक देव जी ने कहा सी नाम जपो वंड छको ते कीर्त करो कि रब दा नाम लो वंड के छको ते शेयर करके खाओ। ये नहीं कि मैनू ही मिल जाए मैं ही खावा सिर्फ। तो किरत करो मतलब मेहनत करो हार्डवर्क करो। तो गुरु नानक देव जी की मैं खासियत तुहानू दसदा। गुरु नानक देव जी खुद हाथों नाल खेती करते सी खेतीबाड़ी करते सी। उन्होंने अपने घर जिहड़ी सी खेतीबाड़ी विच काम करते सी। ते नाल ही नाल अज तुसी देख भी सकते हो कि जिहड़े साडे किसान हन फार्मर्स हन उन्हां च भी ये जिहड़ी है वो देखण नू मिल रही है। उन्हां च भी हार्डवर्क किरत अपनी जमीन नू लेके अपनी अन्न नू लेके अनाज नू लेके किन्ना कुछ देखण नू मिल रहा है। वो खुद चल के जिहड़ा वो दिल्ली जा रहे तुसी वेख सकते हो। तो गुरु नानक देव जी ने भी खुद हत्थां नाल काम किया। तो गुरु नानक देव जी की अगर मैं गल करां तो गुरु नानक देव जी ने जगह जगह पर जाके प्रचार किया गुरु का प्रचार किया रब नाल लोगों को जोड़िया। होर जिहड़ियां बुराइयां फैलाईयां होईयां सी उस टाइम समय च लोगों ने होर जिहड़ियां बुराइयां फैलियां भी होईयां सी उस समय च उन्हां दा खात्मा किया। तो चलो असीं तुहानूं गुरुद्वारे दे दर्शन करवाईए। तो रौनकां वेखो पिछे गुरुद्वारा पूरा चमक रहा है। तो रौनकां वेखो तुसीं वेख सकदे हो कि सिक्योरिटी दे किन्ने प्रबंध किए गए हैं। गुरुद्वारे दे बाहर चैकिंग होकर जा रही है। पिछे भी जिहड़े हन सेवा ते लगे हुए ने सिक्योरिटी वाले तुसीं वेख सकदे हो। पुलिस दी गड्डियां जिहड़ियां पिछली साइड ते खड़ियां होईयां ने। बड़े सारे पुलिस कर्मचारी जिहड़े हन बाहर रुके हुए हैं। लोगों की पूरी चैकिंग होकर फिर लोग अंदर जा रहे हैं। चलो अंदर तो तुहानूं मैं दर्शन करवाऊँ। तुसीं वेख सकते हो कि सैनिटाइजर लगाया हुआ है। जिहड़ा आए वह करोना नूं देखदे हुए सैनिटाइजर का पूरा प्रबंध है। जिहड़ा आए वो अपने हाथ जिहड़े ने सैनिटाइज़ करके निकले। तुसीं वेख सकते हो लोग जिहड़े ने सैल्फियां भी लोग जिहड़े ने फोटो भी खिचा रहे हैं डेकोरेशन नाल। तुसीं वेख सकते हो पिछे रश किन्ना है। संगत जिहड़ी है दर्शन करन जा भी रही है तो दर्शन करके आ भी रही है। तुसीं वेख सकते हो कि हर धर्म के लोग जिहड़े ने इत्थे आए हुए ने गुरु के दर ते। लंगर की भी जिहड़ी है लंगर भी छक रहे लोग ते आ भी रहे मत्था भी टेक रहे अंदर कीर्तन चल रहा है। इस तरह लग रहा है कि असी गुरु नानक दे रूबरू हो गए हैं। इस तरह लगता है कि असी गुरु नानक देव जी दे नाल कनैक्ट हो गए हैं जो असी गुरुद्वारे च अंदर एंटर होए। तुसीं वेख सकते हो कि रश किन्ना है गुरुद्वारे च। गुरु नानक देव जी के प्रति श्रद्धा जिहड़ी लोगों से देखने को मिल रही है। अंदर भी लोग बैठे हुए ने बाहर भी लोग बैठे हुए हैं। तुसीं वेख सकते हो होर किन्नी जिहड़ी संगत है वह आ जा रही है। वेखो तुसीं अगे पिछे रौनक ही रौनक लगिया हुई ने। गुरु नानक देव जी के प्रकाश पर्व से लोग पूरा कनैक्ट हो गए हैं गुरु नानक देव जी नाल। देख सकते हो तुसीं लोग कीर्तन बैठ के सुन रहे हो। देख सकते हो तुसीं लोगों किन्ना किन्नी श्रद्धा और भाव जिहड़ा देखने को मिल रहा है। मैं तुहानूं पहले भी कहा कि इत्थे हर एक धर्म के लोग आए हुए हैं। कोई जात नहीं कोई पात नहीं। गुरु नानक देव जी ने जात पात को खत्म किया सी। अज उहीओ देखने को मिल रहा है कि सारी संगत जिहड़ी है वह बैठी हुई है पंगत। तुसीं वेख सकते हो कि किन्ना ज़्यादा रश है लोगों का किन्ना प्यार जिहड़ा है गुरु नानक देव जी नाल है। तुसीं वेख सकते हो कि जदों भी गुरुपर्व हों तो छोटे छोटे कारोबारी जड़े होंगे ने अपना समान जड़ा इतने आके समान जड़ा इतने आके बेचते हैं। तुम वेख सकते हो मेरे ना गल करांगी भैया बिक्री हो जाती है जी मैम ठीक है। जब भी गुरुपर्व होता है कितनी बिक्री होती है ज्यादा होती है कम होती है तो भी लोगों के हिसाब से होता है कि ठीक निकल जाता है। इस बार कोविड की वजह से थोड़ा कम है तो सबके लिए एक जैसा ही है। अच्छा एक ही जैसा है मतलब उन्हें तो यह कहना है कि पहले भी कोई फर्क नहीं पाया सी हुण भी कोई फर्क नहीं पाया। गुरु नानक देव जी नूं लेके लोगों में इन्ना प्रेम अते प्यार और श्रद्धा जड़ा है देखने मिल रहा है। तुसीं खुद वेख लिया उन्होंने कहा कि बिक्री पहले भी इन्नी होंदी सी हुण भी इस बार भी इन्नी हो रही है। गुरु नानक देव जी ने लंगर की प्रथा शुरू की सी। अज तुसीं वेख सकते हो कि लंगर ही लंगर लग्या होया। इस साइड भी लंगर लग्या होया तो इस साइड भी लंगर लग्या होया। जरा मैं कैमरामैन नूं कहदा कि कैमरा उधर मारियो। जिहड़ा इस साइड लंगर है यह जदों गुरपुरब होंदा है उहदे सिवाए भी यह हर रोज़ लगा होंदा है 24 घंटे लगा होंदा है। तुसीं आके इत्थे लंगर छक सकदे हो हर दिन 24 घंटे लंगर वाली जगह है जिहड़ी खुली होंदी है ठीक है। तो जिहड़ा यह वाला लंगर है यह श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने लाया होया है। तो तुसीं वेख सकते हो कि संगत लंगर छकन वास्ते अंदर जा रही है। तो लंगर की प्रथा भी गुरु नानक देव जी ने ही शुरू की सी। रौनक वेखो तुसीं इस तरह लग रहा है कि गुरु नानक देव जी खुद लोगों के रूबरू हुए। तो लोगों च श्रद्धा के भाव
ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਹੈ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿੰਨਾ ਰਸ਼ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ, ਹਰ ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੰਗਰ 'ਤੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਸਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੋਵਿਡ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਡਾਲ ਜਿਹੜਾ ਪੰਡਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਜਾਇਆ ਗਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸੰਗਤ 'ਚ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੰਗਤ ਖਾਠਾ ਮਾਰ ਦਾ ਇਕੱਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਥੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 'ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਲੱਖ ਲੱਖ ਵਧਾਈਆਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹਾਂਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।